यदि आप 10 सितंबर यानी रविवार के दिन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार शेड्यूल जरूर चेक कर लें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन मुंबई की तीनों लाइनों यानी सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न रेलवे पर मेगा ब्लॉक आयोजित किया जाएगा। विभिन्न इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस वर्क के कारण मुंबई की तीनों लाइनों पर करीब 5 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। यदि हम पश्चिम रेलवे की बात करें तो यहां मुंबई सेंट्रल से चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बीच स्लो लाइन के अप एंड डाउन दोनों मार्गों पर सुबह 10:35 से दोपहर 3:35 तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान स्लो लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों को या तो रद्द किया जा सकता है या फिर फास्ट लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा। यदि हम मध्य रेलवे की बात करें तो यहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से विद्या विहार रेलवे स्टेशन के बीच सुबह 10:55 से दोपहर 3:55 पर स्लो लाइन के अप एंड डाउन दोनों मार्गों पर मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान स्लो लाइन पर चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों को फास्ट लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा। मेगा ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी तो वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हर्बर लाइन की तो यहां वाशी और पनवेल के बीच अप एंड डाउन दोनों मार्गों पर सुबह 11:05 से शाम 4:05 तक मेगा ब्लॉक रहेगा। मेगा ब्लॉक के दौरान वाशी और पनवेल के बीच चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। मुंबई रेल प्रशासन ने यात्रियों से टाइम टेबल चेक कर ही यात्रा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़।